कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके में 28 अप्रैल को कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले छात्र सुमित पांचाल के परिजन आज कोटा पहुंचे और उनके पुत्र की आत्महत्या क्यों की, जिसकी जांच नहीं होने पर रोष प्रकट किया। मृतक छात्र सुमित के चाचा सुरेंद्र पांचाल ने स्पष्ट शब्दों में जिला प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो अभी तक 3 बार कोटा आ चुके हैं। आज भी वो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे। परिजनों का कहना था कि उनका बेटा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। यदि प्रशासन इस मामले के रहस्य से पर्दा नहीं उठाता तो वो जयपुर में कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आप मीडिया बंधुओं को तो पता ही है, 28 अप्रैल को हमारे भतीजे ने यहाँ पे सुसाइड किया था उत्तम रेजिडेंसी में, कुन्हाड़ी जो थाने के अंडर में आता है जी। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है और एडमिनिस्ट्रेटर है जो भी, यहाँ पे सब की एक ही कार्रवाई होती है कि सुसाइड। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि इतने बच्चों ने सुसाइड, वो बच्चे कर क्यों रहे हैं, उनको मेंटली हरासमेंट दी क्यों जा रही है, इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला क्यों जा रहा है। और जो एलएन जैसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, उनकी सीटें रिजर्व क्यों नहीं है, उनमें अननेसेसरी लाखों की संख्या में बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस कारण से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, ये मामला कब तक कोटा में चलेगा? यहाँ का जो प्रशासन है वो जाग क्यों नहीं रहा? क्या बच्चों का हत्यारा ये प्रशासन कोटा का बना हुआ है? पूरे देश के बच्चे यहाँ पर आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं और पुलिस प्रशासन ने सिर्फ सुसाइड का केस बना के और उस फाइल को बंद कर देता है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं उस दिन भी बता के गया था, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम इसको चाहे हमें दिल्ली तक लेके जाना पड़े, चाहे कहीं तक लेके जाना पड़े। और मैंने पूरा यहाँ का, एक महीना हमें हो गया, हम इलेक्शन में बिजी थे, हमने पूरा खाका यहाँ का पता कर लिया है। जिस तरह से मेडिकल बोर्ड यहाँ के बिके हुए हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन बिका हुआ, जिस तरह से ऊपर का जो सरकार के जो मंत्री संतरी सब इसमें जो इन्वॉल्व हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखे, चौटाला जैसे लोग भी जेल काट के आए हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे, और आज के समय में केजरीवाल जैसे भी लोग जेल में, चाहे आप लोगों की पहुंच कितनी बड़ी हो, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। क्या नाम है आपको? हम इन दोषियों को जेल में पहुंचा के रहेंगे। सुरेंद्र पांचाल नाम है आपके भतीजे का? सुमित पांचाल। क्या यहाँ पे क्या कर रहा था वो? यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा था और बिल्कुल लास्ट डे वाले दिन उसने सुसाइड किया। और जो वहाँ का दरवाजा जो हमने देखा था कि जो एक तरफ पुलिस कह रही थी कि हमने दरवाजा तोड़ा, दूसरी तरफ पीजी वाले कह रहे थे हमने दरवाजा तोड़ा, जबकि दरवाजे को खरोच तक नहीं आई हुई थी। पढ़ाई में कैसा था वो? पढ़ाई में तेज था। जब उसने 12वीं के बाद जब नीट का एग्जाम दिया था तो 527 नंबर उसके आए थे। और यहाँ आने के बाद, तैयारी के बाद बच्चा कैसे डाउन होता है, उसका मोरल डाउन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों के हमें जवाब चाहिए। और आज हम प्रशासन के पास तीसरी बार आए हैं। पिछली बार मैं इलेक्शन में बिजी था, ये भाई वगैरह आए थे और यहाँ का प्रशासन लिपापोती में जो लगा हुआ है, मैं प्रशासन को सख्त चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा सहन नहीं होगा। सुरेंद्र जी, आज किस किस से मिलने का प्रकार? आज SP से मिलेंगे, आज DC साहब से मिलेंगे। और अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, चाहे जहां भी जाना पड़े, हम जिस भी अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो यहाँ की राजधानी जयपुर CM आवास के सामने हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। हम चुप रहने वाले बिल्कुल नहीं है। नाम बता दे सर आप। सुरेंद्र पांचाल। थैंक यू।